हे गाइस, तो आज मैं रिव्यू दे रही हूँ लॉरियल पेरिस का 535 महागोनी गोल्डन लाइट ब्राउन कलर का, और ये मैं लगाने वाली हूँ। ये बॉक्स वाला मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, वरना ट्यूब वाले मैं बहुत लगा चुकी हूँ। किस तरह आपके बाल पे ये शेड आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें नो एमोनिया है, और ये कुछ इंडिया में 535-600 का मिल जाता है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी आती है। मेरे बाल छोटे हैं तो मुझे ये दो बार चलता है। इसके अंदर मुझे पहले तो इंस्ट्रक्शंस वाला पेपर मिला, फिर डेवलपर क्रीम मिली, कलर, कंडीशनर, ग्लव्स मिल गया, सब मिल गया। ये जो डेवलपर वाली बॉटल है इसी में अप्लाई करना है, पर मुझे टू टाइम यूज़ करना था तो इसीलिए मैंने कंटेनर में यूज़ की। ये मेरे बाल है, नीचे से तो कलर है और ऊपर से मेरे बाल के कलर चले गए हैं, तो मैं इसीलिए इसको अच्छे से लगा रही हूँ। इस पर मैंने काफ़ी रिव्यू पढ़ी थी, ये लगाने के बाद बाल ड्राई नहीं होते और बाल बहुत स्मूथ और सिल्की रहते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशनर जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने ग्लव्स पहन ली और चलो मैं लगा लेती हूँ। मैं लगाने का वीडियो नहीं डाल रही हूँ, बस सिंपल है, आप लोगों को भी पता है। इस पर लिखा है ये 100% ग्रे हेयर कवर करता है और बाल को 20 मिनट्स में कलर आ जाते हैं, बस 20 मिनट में वॉश करना है। तो ये मैंने लगा ली बाल, अब मैं वॉश करती हूँ 20 मिनट बाद। अभी मेरे बाल पूरी तरह सूखे नहीं हैं, गीले ही है अंदर से, पर अच्छा कलर आया और बाल इतना सिल्की सॉफ्ट हो गए। सिल्की सॉफ्ट मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे हेयर से क्लिप सूखने के बाद, बाल सूखने के बाद क्लिप पिसल रही थी, इतने सॉफ्ट हो गए थे। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, आप भी ट्राई कर सकते हो। और धूप में तो और ज़्यादा अच्छा कलर लग रहा था, ज़्यादा ओवर नहीं था, बहुत सटल सा था। तो ये थोड़ा सा कलर लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, नीचे भी अच्छा आया और ऊपर भी अच्छा आया। ओके, बाय।